बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बजट फ्रेंडली कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, पोटैटो ड्रमस्टिक। बनाने में बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, इन्हें छील कर धो लिया है और इस तरह के पीसेस में काट कर बॉयल कर लिया है। चिकन है आधा पाव, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, इसे हम बॉईल कर लेंगे। मैंने हड्डी के साथ ली है। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, मायोनीज 1 टेबलस्पून, केचप 1 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 1-2 अंडे लेंगे, 1 कप ऑयल है और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन में कुछ मसाले शामिल करके इसे बॉईल कर लेंगे। सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसे बॉईल कर लेंगे। गोश्त निकाल कर हड्डियों को फेंक देंगे। एक बोल के अंदर हम बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ा अच्छा नरम बॉईल करना है ताकि ये आराम से मैश हो जाएं। अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर लेंगे। नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, केचप, मायोनीज और बॉईल किया हुआ चिकन। इसे हमने रेशे की तरह कर लिया है। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम सबसे पहले अंडों को फेंट लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिकन ना शामिल करें, सिर्फ आलू से भी ये बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। आइसक्रीम स्टिक पे लगाएंगे इस तरह और इसे ड्रमस्टिक का शेप देंगे। देखिए इस तरह हमने इसे तैयार किया है। अब हम इसे अंडे में डिप कर देंगे। और फिर ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह कोट करना है हमें इसे ब्रेड क्रम से। और देखिए इसका शेप हम ठीक कर देंगे। इस तरह हम पोटैटो ड्रमस्टिक तैयार कर लेंगे।
इसी तरह हम और तैयार कर लेंगे। बाकी के भी सारे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। एक पैन में हम ऑयल डाल देंगे और हल्का गरम करेंगे। फिर हम पोटैटो ड्रमस्टिक फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है। अगर हम बहुत तेज़ ऑयल गरम कर देंगे तो पोटैटो ड्रमस्टिक जल जाएंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो इसे पलट देंगे। देखिए पोटैटो ड्रमस्टिक तैयार है, अब इन्हें ऑयल से निकाल देंगे। मैंने फॉइल पेपर लिया है और इससे इस तरह छोटे स्क्वायर्स में काट लिया है। इसे हम स्टिक पर लपेट देंगे। इससे हमारे पोटैटो ड्रमस्टिक और भी खूबसूरत नज़र आएंगे और बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हम सब पर फॉइल पेपर लपेट लेंगे। देखिए पोटैटो ड्रमस्टिक बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए। खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।